दीकर शहर में ईद मिलाद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस साल भी दिगरज शहर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर में पुरनूर रौनक का मंजर नजर आया। मुस्लिम बहुल इलाकों से निकले जुलूसों में बड़े बूढ़े और जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में न सिर्फ जुलूस निकाला गया बल्कि जगह जगह पर स्वयंसेवी गुटों ने हलवा लड्डू मिठाई के रूप में तबर्रुक अर्थात प्रसाद का वितरण किया। शहर के विभिन्न इलाकों से निकले जुलूस में मिलाद और नाते पाक पढ़कर आशिकाने रसूल का काफिला आगे बढ़ता गया। तमाम इलाकों से निकला जुलूस शहर के कच्ची चौक में इकट्ठा हुआ। इस मौके पर नागपुर से आई मटका पार्टी और बैंजो पार्टी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कव्वाली और देशभक्ति पर गीत पेश कर समा बांधा। इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित हिंदू भाइयों ने भी ईद मिलाद के जुलूस में शामिल होकर शहर के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत कर अमन और शांति का संदेश दिया। उनका करम हो गया भगवान रो पड़े, इंसान तेरी सोच पे हैवान रो पड़े। हिंदुस्तान में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे अल्लाह। हिंदू का घर भले तो मुसलमान रो पड़े। कच्ची चौक से निकलकर जुलूस बाराभाई मोहल्ला पहुंचा, जहां आयोजित दुआ और फातिहा खौनी कार्यक्रम में शहर काजी अबू जफर सहित हाफिज जुनैद और तमाम मस्जिदों के इमाम प्रमुखता से उपस्थित थे। इस मौके पर नाते पाक पढ़कर दुआ और फातिहा खौनी से कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान दुआ के बाद तमाम लोगों के लिए तबर्रुक और लंगर का इंतजाम किया गया था। जुलूस के दौरान दिगरज शहर पुलिस ने अपनी तैनाती से जुलूस में शामिल लोगों को कोई बाधा न हो इसके लिए पूरा सहयोग दिया। बहरहाल ईद मिलाद का जश्न हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही खुशनुमा माहौल में और शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। NBCN न्यूज के लिए दिगरज से जुबैर खान की रिपोर्ट।